बाबू जी का महाराज जी पानी बहुत बरस रहा है। तो पानी बरस रहा है तो बोले अच्छा मैं कह रहा हूँ ना घुमा लो। उसके बाद गांव के कुछ लोग बुलाया तो कुछ आलू भी बाहर की तरफ खेत थे उनमें बुआ देते थे, बोले आलू खुदवा लो। तो उसने कहा महाराज जी पानी आने वाला, पानी का सीजन है। तो बुद्धि बोले चुप रहो, शुक्ला बच्चों को घुमाने जा रहा है, इसका फ़ायदा तुम लोग भी उठा लो। एक बूंद पानी नहीं बरसा और जैसे ही लौटे रास्ते भर पानी ही बरसता हुआ तो जैसे छाया करते हुए महाराज जी चले। जो होता बाद में मजाक उड़ाते थे जब चले जाते थे लोग तो कहते देखो फला आया था, एक बार बोले कमला पत आया था, सब लोगों का हाँ महाराज जी आया था। बोले तुम मूर्ख हो, उस सत्संग में उसका पेट बड़ा है, जब वो लेटता तो पेट जमीन पर रहता, पैर ऊपर उठ जाता। का ये महाराज जी ये हमारे साथ के पढ़े हुए हैं और आजकल ये तो महाराज जी बोले अपने साथ रखेगा इसको, कह रहा रखेंगे। और कोई कुछ बताता ही नहीं, बस बैठे रहते हैं और महाराज जी चेहरा देखा करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। ये लोग इतनी दूर से हम लोगों को अचानक पीछे पड़ गए, बोले देखो शुक्ला बच्चों को लेकर आया है अब आश्रम में और बच्चों को घुमाने नहीं जा रहा है, रानी खेत घुमा लाओ, वहाँ घुमा लाओ। तो बाबू जी का महाराज जी पानी बहुत बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है तो बोले अच्छा मैं कह रहा हूँ ना घुमा लाओ। उसके बाद गांव के कुछ लोग बुलाया तो कुछ आलू भी बाहर की तरफ खेत थे उनमें बुआ देते थे, बोले आलू खुदवा लो। तो उसने कहा महाराज जी पानी आने वाला, पानी का सीजन है। तो बुद्धि बोले चुप रहो, शुक्ला बच्चों को घुमाने जा रहा है, इसका फायदा तुम लोग भी उठा लो। बड़ी मजाक के रूप में कहते थे और बड़ी सरलता से कहते थे। बड़ी बात, अब आप समझ लीजिए इतनी छोटी छोटी। और आप ताजुब करेंगे कि उस समय भीषण वृष्टि का सीजन था, हम लोग जहाँ जहाँ गए पहुँचे तो मालूम भैया कि हम लोग आने पहले वहाँ बहुत पानी बरसा। और जितनी देर रहे रानी खोज में एक बूंद पानी नहीं बरसा और जैसे ही लौटे रास्ते भर पानी ही बरसता हुआ तो जैसे छाया करते हुए महाराज जी चल रहे थे। तो कैंची में तो करीब हम 14-15 दिन से ऊपरी रहे हैं उस समय। और एक एक दिन का अभी शायद एक बार आप जिक्र कर रहे थे कि साधना और इसमें मतलब समाधि की स्थिति भी क्या होती है जी। मैंने जितने समय वहाँ रहा तो इतनी ही वो बात करते थे कि कौन हो, कहाँ से आए हो। और बहुत अच्छा ये होता था, बड़े लोग कई मंत्री आते थे, राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री। मैंने अपने समय में एक ही समय में पंडित कमलापत त्रिपाठी जी को, चंद्रभान गुप्ता जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और अकबर अली खां को उसी दौरान मैंने उन्हीं 15 दिनों के अंदर आश्रम में आते देखा। तो जो ये लोग आते थे तो ये लोग कभी कहते थे महाराज जी हम कुछ अकेले में बात करना चाहते, तो जो बात करते हो, जो भी बात होती हो, जो वो मार्गदर्शन लेते हो या जो होता, बाद में मजाक उड़ाते थे जब चले जाते थे लोग तो कहते देखो फला आया था, एक बार बोले कमला पत आया था, सब लोगों का हाँ महाराज जी आया था। बोले कमला पत हमको कैसे प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम करते थे कमला पत जी साष्टांग। तो कहने महाराज जी बड़ी श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करता है। बोले तुम मूर्ख हो, उस साष्टांग में उसका पेट बड़ा है, जब वो लेटता तो पेट जमीन पर रहता, पैर ऊपर उठ जाता। इस टाइप की वो इतने हल्के में बात उड़ा देते थे कि कोई अहंकार वाली बात नहीं। आदमी कहे कि देखो मुख्यमंत्री था और मेरे आगे लेटा था, तो उसको नहीं लेकर के। और एक अर्थ करेंगे वहाँ पे कैंची में उस समय उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक हेड कांस्टेबल था जो गेट पर, जिसकी ड्यूटी गवर्नमेंट तरफ से, और वो मुस्लिम था और दाढ़ी भी रखता था। तो मुझे याद पड़ता है कि जब अकबर अली खां गवर्नर थे उस समय यूपी के, तो जैसे ही वो आए उसने उनको जो सल्यूट किया तो खान साहब ने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया, बोले कि तुम मुझे कैसे सल्यूट कर रहे हो, तो मैं कितने मुकद्दस दरबार में खड़े हुए हूँ, मैं तुम्हें सल्यूट करूँगा। और उन्होंने सिपाही को वहाँ पर खड़े होकर सल्यूट किया। और महाराज जी का बहुत स्नेह था अकबर अली खां। और छोटी सी एक घटना शायद अभी जिक्र भी हुई थी कि जब अकबर अली खान साहब आए तो जब आदमी चला जाता था तो जब वो शाम को ऊपर बैठते थे आमोद प्रमोद के समय तो वो कुछ डिस्कस करते थे, कुछ चीज़ें चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब अकबर अली आया था, सब लोगों का महाराज जी आया था, कहना अकबर अली आया था, कहना हाँ महाराज जी आया था।
बोले, उन्होंने कहा अकबर अली उत्तर प्रदेश का राजा है, अकबर अली उत्तर प्रदेश का राजा है जी। तो वहीं पे किसी ने कहा कि महाराज जी कमलापत त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हैं। तो बोले तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, उत्तर प्रदेश का राजा अकबर अली खां है। चलो कहा ठीक है। बोले आप सब लोग बोलो अकबर अली खां उत्तर प्रदेश का राजा है। अब सब लोग उनका हाँ अकबर अली खां उत्तर, उन्होंने 6-7 बार सबसे ये कहलाया कि अकबर अली खां उत्तर प्रदेश का राजा है। और ऐसा इत्तेफाक हुआ, पीएसी विद्रोह हुआ था, उसी दूसरे या तीसरे दिन की बात है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो ये संकेत भी देते रहते थे, उन्हें सब चीज़ दिखती थी, लेकिन कितनी चीज़ वो किसी को दिखाना चाहते हैं ये उनकी चल। जो समाधि वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे जो 15-16 दिन में एक लड़की एक आई थी, वो करीब 15-16-17 साल की रही होगी, तो उससे उन्होंने बात करनी शुरू की जी, और क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये है वो है। और फिर बेटा तुम आया करो, तुम्हारे माँ बाप आए हुए हैं, कहना कहीं इसको लेके आया करो हमारे पास, आओगी? उसने कहा कहना आया करो। आए फिर बोले कि इसको वो दो रामायण दो, तो रामचरितमानस दिया, सुंदरकांड दिया, खुद दिया उससे करीब 15। और फिर मैंने उसको जैसे महसूस किया कि बैठे 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 जैसे हल्का जो आप समाधि करें, मेरी दुनिया नहीं समझ में आता कि समाज की स्थिति होती है कि एक अलग स्थिति में वो लड़की पहुंच गई थी। बाकी इतना और मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई मतलब, बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ आदमी का ध्यान रखते थे। हम लोग वहीं रुके थे तो बाबूजी के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक श्रीवास्तव जी थे, क्लास फेलो थे इनके, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए थे, तो वो आ गए अचानक। तो उनको बाबूजी के पास ही बाबू इनका, ये महाराज जी ये हमारे साथ के पढ़े हुए हैं और आजकल ये, तो महाराज जी बोले अपने साथ रखेगा इसको? इनका रहा रखेंगे। तो वो बगल के कब दो कमरे हम लोग पास थे, तो उसमें वो श्रीवास्तव जी भी रुके। तो दिन की उन्होंने पारी क्रियाकलाप जब कैंची की देखी, तो शाम को रहा बोले बाबू जी से रात में कि शुक्ला जी ये इतने जो विदेशी आते हैं, इतने विदेशी आते हैं और ये लोग बैठे रहते सुनते रहते हैं और चले जाते हैं, ये हिंदुस्तान आए हैं, इनको हमारे सनातन धर्म के बारे में, गीता के बारे में, इन सब बारे में कुछ तो बताना चाहिए। और कोई कुछ बताता ही नहीं, बस बैठे रहते हैं और महाराज जी चेहरा देखा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये लोग इतनी दूर से आए, इनको कुछ तो कुछ ना कुछ तो, ये रात की बात है। सुबह 8 बजे सब बैठे, भीड़ थी, विदेशी बैठे थे, तो महाराज जी ने अचानक कहा दादा इधर आओ। दादा गए, बोले शुक्ला के पास एक जज आया है, रुका है शुक्ला के साथ, सबसे इन लोगों से मत कहो जितने विदेशी बैठे हुए, इन लोगों से कहो वो अंग्रेजी में हिंदू धर्म के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में आप लोगों को कुछ बताएगा। अब उन्होंने, दादा ने बताया और फिर वो उन्होंने पूरा धारा प्रवाह बोलना, लेकिन बाबू जी को हंसी आए कि ये बोल रहे थे, जितने थे वो एक सम्मोहित अवस्था में महाराज जी चेहरा देख रहे थे।